अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ खास शादियों में बनने वाले व्हाइट मटन कोरमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे खाते ही शाही रेसिपी वाला मजा आता है। अगर आपको किसी स्पेशल ओकेजन में कुछ खास बनाना हो तो इसे जरूर ट्राई करिए। यकीन मानिए, गेस्ट बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो जल्दी से इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने 1 किलो मटन लिया है, इसे अच्छी तरह से धोकर इसका पानी निकाल लेंगे। तो पहला स्टेप ये है कि हमें इसे मैरिनेट करना है। तो इसमें 400 ग्राम दही डालेंगे, 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक और 6 से 7 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालकर इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब भी हम कोई भी कोरमा बनाते हैं, हमें इसे मैरिनेशन के लिए रखना बहुत ज़रूरी है, तभी इसका असल टेस्ट आता है। तो हो सके तो इसे भी 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दीजिए। मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं, तो 2 घंटे के लिए इसे मैं फ्रिज में मैरिनेशन के लिए रख देती हूँ। तो जब तक हम आगे के मसाले रेडी करते हैं, तो पैन में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल गरम कर लिया है। अब इसमें 3 मीडियम साइज की प्याज को कट करके डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लेंगे। हम व्हाइट कोरमा बना रहे हैं, इसीलिए इसका कलर डार्क नहीं करना है। बस प्याज नरम हो जाए और इसकी कच्ची स्मेल चली जाए, तब तक हमें इसे भूनना है। अब प्याज का कलर चेंज हो चुका है, तो गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ कुकर में मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल गरम कर लिया है। अब इसमें 2 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची और 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े डालकर 1 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। अब मैरिनेशन किया हुआ मटन डालेंगे और फास्ट फ्लेम रखकर 2 मिनट तक इसे अच्छी तरह से भुनेंगे। इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे। देखिए, इसमें दही का पानी छूट चुका है। अब कुकर का ढक्कन लगाएंगे और मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 सीटी आने तक इसे पकाएंगे। तो जब तक हम कुछ मसाले पीस लेते हैं। हमने जो प्याज भुनी थी, अभी वो ठंडी हो चुकी है, तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे। पीसते वक्त इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे, बिल्कुल थिक सा पेस्ट बनाएंगे और इसे साइड में रख देंगे। अब यहाँ मैंने 10 से 12 काजू लिए हैं, इसे भी डालकर पीस लेंगे। पीसते वक्त थोड़ा सी पानी डालेंगे और इसे भी साइड में रख लेंगे। अब यहाँ पैन में मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल गरम कर लिया है। अब इसमें हमने जो प्याज ग्राइंड की थी, इसे डालेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम रखकर इसे ड्राई होने तक भुनेंगे। तो प्याज अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी है। अब इसमें हमने जो मटन को बॉईल करने रखा था, इसे डालेंगे। अब गैस की फ्लेम फास्ट रखकर इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसे इतना भुनना है कि इसमें से ऑयल छूट जाए। तो देखिए, मसाले में ऑयल छूट रहा है। अब इसमें हमने जो काजू का पेस्ट बनाया था, इसे डालेंगे। 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। काजू डालने से इसमें थिकनेस आती है। अगर आपके पास काजू अवेलेबल ना हो तो आप बादाम भी डाल सकते हैं या फिर तरबूज की बीज, आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसे डाल दीजिए। अब 1/2 कप फ्रेश क्रीम डालेंगे। अगर आपके पास घर की बनी हुई मलाई हो तो वो भी डाल सकते हैं। बस उसे विस्क करके थोड़ा पतला कर लीजिए। फ्रेश क्रीम और काजू का पेस्ट डालने से ये एक रिच फ्लेवर दे रहा है और इसकी थिकनेस भी देखिए कितनी हो गई है। तो दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। इस तरह एंड में गरम मसाला डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और साथ ही साथ खुशबू भी। तो ग्रेवी थिक हो चुकी है। अब इसमें 1 ग्लास पानी डालेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसे बॉयल आने देंगे। अब 1.5 टेबल स्पून कसूरी मेथी डालेंगे, इसे डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो इसे स्किप मत करिएगा। अब इसमें हरी मिर्चियों को चीर के डालेंगे, आप आपके टेस्ट के हिसाब से मिर्ची डालिए और नमक भी चेक कर लीजिएगा, कम हो तो डाल देंगे।
नमक और मिर्ची आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। ग्रेवी मुझे ठीक लग रही है तो थोड़ा सी मैं पानी डाल रही हूँ। अब इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बराबर है तो अब इसे ढककर स्लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पकने देंगे। तो देखते हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और साइड से ऑयल भी छूट चुका है, यानी ग्रेवी परफेक्ट बन चुकी है और इसकी थिकनेस भी बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। माशाल्लाह इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और टेस्ट भी बहुत लाजवाब बना है। आप इसे तंदूरी नान के साथ सर्व कीजिए, ये और भी टेस्टी लगेगा। तो किसी खास मौके पे इस खास वाइट मटन कोरमा को ज़रूर ट्राई करिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।